जेडीयू को लेकर लगाई जा रही है कि जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा, नए अध्यक्ष कौन होंगे, गठबंधन में क्या होगा। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की दो दिवसीय बैठक है, आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विट्ठलभाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाए। अटकलें ही सही, लेकिन सफाई देने के लिए तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ता है। वो कहते हैं कि हर पार्टी को हक है बैठक करने का, राष्ट्रीय जनता दल भी करती है, जो भी अफवाहें चल रही है वो निराधार है। अगर कुछ है नहीं तो उनको सफाई देने के लिए सामने क्यों आना पड़ता है? आप लोगों ने अफवाहों का बाजार इतना हाइप कर दिया है कि उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बीच में जवाब देने पर आ गए। लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। 2024 के चुनाव के मुताबिक संगठन में फेरबदल हो सकता है, इसकी संभावना है? ये सब चीजें पार्टी के आंतरिक मामलों की चीजें हैं, इस पर सार्वजनिक तौर से न टिप्पणी की जाती है न बयान दिए जाते हैं। ठीक है, एक सर अब राम मंदिर का मुद्दा है। शरद पवार ने कहा कि उनको इन्विटेशन तक नहीं दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसे एक पार्टी इसे अपना कार्यक्रम बनाकर या मानकर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था और सभी देशवासी प्रसन्न हैं और प्रसन्न थे, लेकिन एक दल विशेष द्वारा इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है जैसे उनकी पार्टी का ये आधिकारिक कार्यक्रम है। जिन नेताओं को बुलाना जाना चाहिए, किन नेताओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए, ये भी एक पार्टी विशेष तय कर रही है। हम इस पर अपना अफसोस जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी को अगर निमंत्रण मिला तो हम इसमें अवश्य हिस्सा लेंगे। लेकिन सर, राम को राजनीति के केंद्र में कौन सी पार्टी ला रही है? ममता बनर्जी का कहना है वो नहीं जाएंगे, शरद पवार कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, आप कह रहे हैं निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। इंडिया गठबंधन में अलग अलग दलों का जो इंडिया गठबंधन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये विभिन्न दलों का संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव में जाएगा, विचारधारा को लेकर के, क्षेत्रीय नारों को लेकर के, सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। ईडी के चार्जशीट में प्रियंका गांधी जोड़ा गया है। जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो खुद जांच के घेरे में।